ये दो राज्यों का मामला है तो इसमें भाई भारत सरकार का क्या काम कर रहे हैं लोग? भारत सरकार कहाँ कंसर्न आपको दिखे इस पूरे मामले में? भारत सरकार की भूमिका बनती है कि नहीं बनती? जब दो राज्य में अगर कोई विवाद अगर कोई उत्पन्न हो रहा है, हुआ नहीं हुआ लेकिन बातें चल रही हैं, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ तो स्टेप उठाना चाहिए ना। कोई मुकदमा अगर FIR हुआ है ट्विटर अकाउंट का, तो BJP को उसका जवाब देना चाहिए। तमिलनाडु मामले को लेकर बिहार की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक दूसरे पर लोग ठिकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो आपको बता दें कि आए दिन विपक्ष की तरफ से महागठबंधन पर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार तमिलनाडु में फंसे प्रवासियों के लिए कुछ नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कि उन्होंने BJP के सर पर ठिकरा फोड़ते हुए कहा कि BJP इस मामले पर आखिर चुप क्यों है। दरअसल आपको बता दें कि सदन में तमिलनाडु मामले को झूठा बताने वाले तेजस्वी यादव ने आज केंद्र पर ठिकरा फोड़ दिया है। तेजस्वी यादव ने सदन में तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले को बिल्कुल भ्रामक बताया था, लेकिन इसके बाद उन्हें काफी फजीहत झेलनी पड़ी और अब इसके बाद अपने उस बयान से उन्होंने पलटी मार ली है। अब उनका कहना है कि यदि ऐसी घटना हुई है तो केंद्र सरकार इसकी चिंता क्यों नहीं कर रही है, मोदी सरकार इस मामले पर आखिर चुप क्यों है। दो राज्यों के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ है, यानी कि दो राज्यों के बीच का यह विवाद है, दो राज्यों के बीच यह लड़ाई चल रही है, तो इसका समाधान केंद्र को करना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार आखिर चुप क्यों है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार ने तमिलनाडु में एक टीम भी भेजी है जो वहां की स्थितियों से उन्हें अवगत कराएगी, इस मामले की सच्चाई को वह सबके सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि कोई कहीं भी इस देश में रह सकता है, समाज को बांटने का काम करने वालों से हमें सावधान रहना होगा। बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तमिलनाडु के BJP प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की थी। BJP प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि तमिलनाडु में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। फिर भी मामले की जांच के लिए बिहार से एक प्रतिनिधि मंडल तमिलनाडु भेजा गया है और उसकी रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के साथ तेजस्वी यादव ने और सारी कई बातें रखी है, तो एक बार आप खुद सुनिए कि कैसे BJP के सर पर ठिकरा फोड़ते हुए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आखिर केंद्र अब तक इस पर क्यों कुछ नहीं कर रही है। तो कहेंगे देश में कोई भी कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। अब यही हम सवाल उल्टा फेर के पूछे कि तमिलनाडु के लोग अगर यहाँ आना चाहे, देखो तो कोई एक अगर गलती करेगा तो पूरा राज्य दोषी कैसे हो सकता है? अगर बिहार में कोई एक आदमी अगर कोई गलती करेगा तो बिहार दोषी नहीं ना होगा? तो देखिए, ये मुल्क हम सबका मुल्क है, ये देश हम सबों का देश है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई हमारे यहाँ भी आ सकता है, यही तो खूबसूरती है। लेकिन अगर कोई नोटोरियस अगर तमिलनाडु में अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो हम लोग तो बार बार कहेंगे कि उस पर कठोर कार्रवाई वहाँ की सरकार को करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये दो राज्यों का मामला है तो इसमें भाई भारत सरकार का क्या काम कर रहे हैं लोग? भारत सरकार कहाँ कंसर्न आपको दिखे इस पूरे मामले में? भारत सरकार की भूमिका बनती है कि नहीं बनती? जब दो राज्य में अगर कोई विवाद अगर कोई उत्पन्न हो रहा है, हुआ नहीं हुआ लेकिन बातें चल रही हैं, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ तो स्टेप उठाना चाहिए ना। हम लोग तो टीम भेज रहे हैं, सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन इस तरह का देखिए हम बार बार कहेंगे, कोई भी कहीं भी इस देश में रह करके अगर घृणा फैलाने का काम करेगा, समाज को बांटने का प्रयास करेगा, तो इनसे आपको सावधान। BJP अकाउंट पर एफआईआर करने की तमिलनाडु पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कार्रवाई की है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमने पहले बोला कि तमिलनाडु पुलिस का मानना ये है कि वहाँ ऐसी घटना नहीं हुई, हम अपने तरफ से नहीं कह रहे। हमने जो विधानसभा में भी कहा वो यही बात है कि जो DGP का जो बयान है वो नहीं मानते BJP, और कई ऐसे वीडियो जो हम लोगों के समक्ष आए हैं हमने भी देखी है, इसलिए हम लोगों ने टीम भेजा है। तो हम लोगों ने टीम भेजा है कि भाई सच क्या है इसकी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें, और अगर केस हुआ है, कोई मुकदमा अगर FIR हुआ है ट्विटर अकाउंट का, तो BJP को उसका जवाब देना चाहिए। तो इसमें अगर